गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसबीपीएस फॉर स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपको लेसन नंबर 6 के मौखिक प्रश्न लिखवा रहे हैं, राजा कुंभल के दो हितैषी मित्र कौन थे। तो राजा कुंभल के दो हितैषी मित्र महापंडित चातनार और महाकवि चित्रनार और महाकवि चित्रनार थे। नंबर दूसरा प्रश्न, नए शासक इलन कुमलन ने क्या सोचा। तो नए शासक उत्तर, नए शासक इलन कुमलन ने सोचा कि बड़े भाई के रहते मुझे कोई नहीं मानेगा, और मेरी शासन सत्ता भी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए उनको दुनिया से अलग कर देना चाहिए, इसलिए उनको दुनिया से अलग कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, इलन कुमलन ने राजगढ़ में डिडोरा क्यों पिटवाया। उत्तर, इलन कुमलन ने अपने भाई को मरवाने के लिए राजघर में ढिंढोरा पिटवाया। नेक्स्ट नंबर 4, प्रजा इलन कुमलन से गहना क्यों करने लगी। उत्तर, इस घोषणा को सुनकर प्रजा राजा इलन कुमलन से घृणा करने लगी।
अब देखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, नंबर 5। बेलियान ने महाकवि का स्वागत करने किसे भेजा? फर्स्ट पार्ट महापंडित, सेकंड सेनापति, थर्ड पार्ट मंत्री, फोर्थ पार्ट भाई। इसका सही ऑप्शन है फोर्थ पार्ट भाई, नंबर 2। मुद्रिक नामक पहाड़ी प्रदेश कहाँ था? नंबर 1 महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, असम। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है तमिलनाडु। नेक्स्ट नंबर 3, महापंडित का स्वभाव कैसा था? नंबर 1 उदार, सॉरी नंबर 1 क्रोधी, सेकंड उदार, नंबर 3 चालान, फोर्थ झगड़ालू। तो इसका ऑप्शन है सेकंड पार्ट उदार। नंबर 4, इलन कुमार ने कितनी मुद्राएं देने का ढिंढोरा पिटवाया? 1500, 1000, 5000, 300। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड पार्ट 1000। अब कल इसके आपको लघु उत्तरी प्रश्न राइट करवाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।